नमस्कार दोस्तों, महाविका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटा नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो लाए तो देख सके सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप लोग का एक बताने जा रहा हूँ जिससे आप शिवलिंग को पसंद करके अपना मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। और पारस शिवलिंग क्या है इसको बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों परत शिवलिंग है कई धातुओं से मिलकर बना होता है, तो बहुत उनको स्थापित कर सकते हैं किसी शुभ दिन। तो चलो दोस्तों, मैं इसको स्थापित का विधि मैं बता रहा हूँ। महेश्वर शिवलिंग को पूजा की विधि सहज है और सरल होने के साथ साथ शीघ्र ही फलदायक है। तो कई धातु से परत शिवलिंग बनाया जाता है। किसी भी आप किसी घर में बैठाना चाहते हैं तो किसी भी सोमवार अथवा गुरुवार के दिन किसी भी पवित्र स्थान पर स्थल पर पारद शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। और दूध तथा पचमेवा आसन अंदरित करवा कुंद्र पुंज गंध पुष्प दीपक बेलपत्र अदन धतुरा आदि चढ़ाकर आदि प्रति मंत्र सिद्ध चैन उद्रास माला से निमित मंत्रों को 108 बार दफा जाप करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको सफलतापूर्ण चमत्कारी का अनुभव होने लगेगी। और मंत्र इस प्रकार का है, मंत्र है ओम हों ओम हौ जूस ओम भूर भुव स्व यत्रम यजमे सुगंधिम पुष्टम वर्धम उर्वर उर्वरुक्मी बंधनम मीमोक्षा मित्य ऊँ भूर्भुवा ऊँ हंसु ऊँ। तो दोस्तों, इस मंत्र को 108 बार पढ़ना है और पढ़कर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। पारा शिवलिंग को चाहते हैं कि सावन के मार्च में डाउन चल रहा है, इसमें कहीं नहीं जाए, तो किसी सोमवार के दिन आप पारस शिव लिंग को बैठा सकते हैं और सावन में अपना जल चढ़ा सकते हैं और अपना मानोक्षित पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मंत्र के प्रभाव से आप जल चढ़ाते रहें और 108 बार मंत्र जाप करते रहें तो हर प्रकार का समस्या को पारस शिव लिंग को पूजा करने से समस्या का सफलता तुरंत मिल जाता है। जैसे ही आप इसको आप स्थापित कीजिएगा घर में, आप चढ़ाना चालू कीजिएगा, विधि पूर्वक से आप पूजा विधि करिएगा तो अवश्य मिलेगा और जो भी आपको वो मनोकामना हो सफल अवस्थ हो जाएगा और मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। इस पर शिवलिंग को बैठा सकते हैं और अपना स्थापित करके कहीं भी शुभ स्थान पे आप पूजा विधि कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाना और कमेंट में अवश्य बताना।